बूंदी में ईदगाह और अस्पताल के सामने खुलने वाली शराब दुकान के विरोध में मुस्लिम समाज के द्वारा विधायक, थाना, राजस्व विभाग, नगर परिषद को आवेदन दिया गया था, जिसमें मानदाता विधायक का साथ मिला है। विधायक बोले कि नहीं खुलेगी शराब दुकान। बूंदी नगर में मुस्लिमों के लिए पवित्र जगह ईदगाह, जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, उसके पास में शराब दुकान का ठेका लेने वाले ठेकेदार के द्वारा नगर से बाहर स्थित शराब दुकान को अंदर लाकर खोलने की कोशिश में लगा हुआ था, जिस पर मुस्लिम समाज के द्वारा नायब तहसीलदार, नगर परिषद विधायक कार्यालय और पुलिस थाने में आवेदन देकर जिसका विरोध दर्ज किया गया था। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों की मांग को अब मानधाता विधायक नारायण का भी समर्थन मिल गया है। विधायक नारायण पटेल का कहना है कि ईदगाह और अस्पताल पास में है, ऐसी जगह पर शराब दुकान खोलना गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं और अधिकारियों से बात करूंगा। नहीं खुलेगी ईदगाह और अस्पताल के पास शराब की दुकान। बूंदी से नवाब खान के साथ शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। मुझे अभी जानकारी मिली है कि बूंदी नगर में जहां अस्पताल है और जहां ईदगाह है या जहां धार्मिक आयोजन हुआ करते हैं, वहां दारू दुकान की शुरुआत हो रही है। उसके लिए मैं ऊपर संबंधित विभाग से बात कर और उसको अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए उनसे निर्देश करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।